भारत की दोस्ती से चीन में मची खलबली। दो समुद्रों के संगम से ड्रैगन का होगा महाविनाश। मोदी के मंत्रियों की रणनीति से चौतरफा घिरेगा ड्रैगन। जापान में मोदी के दो शेर कर रहे ड्रैगन के बर्बादी का करार। जगह जापान की राजधानी टोक्यो, मकसद ड्रैगन की बर्बादी। जल हो, थल हो या नभ, तीनों में चालबाज चाइना को सबक सिखाने के लिए गर्मजोशी से मिलते ये दो हाथ। दिल से मिलते हाथों से बीजिंग में मच रही है खलबली। शी जिनपिंग की भी बेचैनी बढ़ी। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और बीच में खड़े भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ तो टोक्यो में जरूर मिल रहे हैं, लेकिन बेचैनी बीजिंग में महसूस हो रही है। विस्तारवाद की साजिश के खिलाफ बनी इस रणनीति से विस्तारवाद पर अब होगा बड़ा प्रहार। दो और तस्वीरें, एक में भारत के विदेश मंत्री का मुस्कुराता चेहरा और भारत के रक्षा मंत्री के साथ जापान के पीएम, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वो भी नमस्कार की मुद्रा में। और दूसरी तस्वीर में हाथ उठाकर अभिवादन करते जापान के पीएम, एक और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री नमस्कार की मुद्रा में। दूसरी तरफ जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वो भी नमस्कार की मुद्रा में। चेहरों पर चाइना की बर्बादी वाले मुस्कान। ये पावरफुल तस्वीर थी भारत और जापान के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की दूसरी 2+2 लेवल की बातचीत की। अब ये तस्वीरें कैसे चीन की नींद छीनने वाली हैं, अब जरा इसके बारे में भी जान लीजिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये पर भारत और जापान पैनी नजर बनाए हुए हैं, और यही वजह है कि दोनों देश जल्द ही पहली बार हवा में भी दहाड़ेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने जापानी समकक्ष यासुकाजू हमादा से अलग से मुलाकात की। दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया, जो मुक्त, खुला और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगा और चाइना की दादागिरी से निजात दिलाएगा। और इसी दौरान एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पर भी मुहर लगी। जल्द ही दोनों देशों के लड़ाकू विमान गरजेंगे और युद्ध कौशल का मुजाहिरा करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग और भी मजबूत किए जाएंगे। दोनों देश मिलकर अत्याधुनिक वेपन सिस्टम विकसित करेंगे। भारत और जापान के रक्षा मंत्री ज्वाइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए न सिर्फ राजी हुए, बल्कि जल्द ही इसे शुरू करने और नियमित करने की मंशा भी जाहिर कर चुके। वैसे पहले भी भारत और जापान की आर्मी पहले से ही नियमित तौर पर धर्म गार्जियन एक्सरसाइज करती रही है। दोनों देशों की नौसेना के बीच भी जिमेक्स युद्धाभ्यास होता रहा है। इसके अलावा जापानी नेवी ने इसी साल मार्च में विशाखापत्तनम में हुए बहुराष्ट्रीय मिलन नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया। जापान पहले से ही भारत अमेरिका के बीच मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास का हिस्सा है। वो 2015 में इसमें शामिल हुआ और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा है। इस सबके बीच अब दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच पहली बार एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज लगातार मजबूत होते रक्षा संबंधों की मिसाल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक हरकतों और विस्तारवादी नीति पर क्वाड में शामिल चौकड़ी यानी कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी पैनी नजर रखे हुए हैं। तो संदेश साफ है, चीन अगर किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारत की वायुसेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। पहले नंबर पर अमेरिका और फिर रूस और उसके बाद भारत, और जल्द ही भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना में दर्ज होगी। हमारी सेना का जो जज्बा है वैसा जज्बा दुनिया के किसी भी सेना में नहीं, और अब वेपन में भी लगातार भारत आगे निकल रहा है। तो अगर चाइना अपनी धौंस दिखाता है तो उसे गलवान घाटी की तरह करारा जवाब मिलेगा और ऐसा जख्म ड्रैगन को दिया जाएगा कि वो दुनिया को बता भी नहीं पाएगा जैसा गलवान घाटी में हुआ। चाइना की शक्ति, उसकी अर्थव्यवस्था और उस पर अब भारत ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चाइना के लिए लगातार अपना बाजार भारत बंद कर रहा है, जिससे बड़ा झटका चाइना की अर्थव्यवस्था को लगेगा और चाइना की जगह विकल्प के रूप में भारत तैयार खड़ा है और अब उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत ने अकेले दौड़ना सीख लिया है और ये रफ्तार कम नहीं होगी और बढ़ती ही जाएगी। और इस वक्त दुनिया की महाशक्तियों को भी ये बात समझ में आ गई है
क्योंकि भारत ने उन्हें अच्छे से समझा दिया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में भारत की रणनीति रही हो, जिसे आंख दिखाना है वो दिखाता रहे, लेकिन किसी के आंखों से डरने वाला ये भारत नहीं है, बल्कि उन आंखों की गोटियां बनाकर अब खेलने की तैयारी में भारत जुटा हुआ है।